इस दिवाली हम बनाने जा रहे हैं एकदम यूनिक नाश्ता। ये नाश्ता खाने में जितना टेस्टी है, देखने में भी एकदम यूनिक है। अगर आप कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं तो इन दोनों तरह के नाश्तों को ज़रूर ट्राई करें। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और जो भी इनको खाएगा वो आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेगा। तो रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए इन दोनों तरह के यूनिक नाश्ते को हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे आधा कटोरी धुली हुई उड़द की दाल, आधा कटोरी धुली हुई मूंग की दाल। इन दोनों तरह की दालों को मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था। तो ये देखिए दाल हमारी अच्छे से फूल गई है। तो अब हम इन दालों को एक मिक्सी जार में डाल लेंगे। अगर आप मूंग की दाल या उड़द की दाल को पसंद नहीं करते हैं तो आप खाली मूंग की दाल या उड़द की दाल ही डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों दालों का यूज किया है, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो अब हम इसमें डालेंगे 4 सूखी खड़ी लाल मिर्च। अगर आप तीखा कम पसंद करते हैं तो आप इसमें सूखी मिर्च कम डालिएगा। तो अब हम इसमें ज़रूरत के अनुसार पानी डालकर इसको पीस लेंगे। इसको पीसते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इस दाल को हमें ना बहुत ज़्यादा महीन पीसना है, तो इसको हम थोड़ा सा दरदरा ही रखेंगे। तो अब हम एक पैन में 2 बड़ी चम्मच देसी घी लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। आप चाहें तो सरसों का तेल या रिफाइंड का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें पिसी हुई दाल को डालेंगे और गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। ध्यान रखिएगा हमें इसको लगातार चलाते रहना है। 1 से 2 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम को धीमा कर लेंगे और फिर धीमी आंच पर हम इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका पानी पूरी तरीके से सूख ना जाए। तो अब हम इसमें डालेंगे 3 से 4 छोटी चम्मच दरदरी पिसी हुई सौंफ और साथ में डालेंगे 1 छोटी चम्मच दरदरा पिसा हुआ जीरा और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जीरा और सौंफ हमारा अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई हींग। हींग मैंने इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डाली है क्योंकि हींग डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। और साथ में डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो धीमी आंच पर हम इसको रोस्ट करेंगे और इसको लगातार हम चलाते रहेंगे। तो ये देखिए दाल हमारी ड्राई होने लगी है। तो दाल को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसका पानी सूख ना जाए और ये पूरी तरीके से ड्राई हो जाए। दाल अगर हमारी पूरी तरीके से ड्राई नहीं होगी तो कचौड़ियाँ हमारी जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो ये देखिए दाल हमारी अच्छे से भुन गई है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। तो अब हम एक बर्तन में 200 ग्राम मैदा लेंगे और इसमें 50 ग्राम डालडा घी डालेंगे। आप चाहें तो इसमें देसी घी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे आधा छोटी चम्मच अजवाइन, जिसको हम हथेलियों की सहायता से रगड़ कर डालेंगे, और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें घी और मैदा को अच्छे से मिक्स करना है ताकि कचौड़ियाँ हमारी एकदम खस्ता बने। तो ये देखिए मैदा हमारी वाइंड होने लगी है, तो घी इसमें एकदम परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। पानी हमें इसमें थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। अब हम हथेलियों की सहायता से इसको रगड़ रगड़ कर चिकना कर लेंगे। तो आटा हमारा तैयार है। अब हम इसको आधा घंटे के लिए ढककर रख देंगे जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। तो आधा घंटा हो गया है, आटा हमारा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम आटे की इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और उसको बेल लेंगे। ध्यान रखिएगा इसको हम ओवल शेप में बेलेंगे, हमें इसको चारों तरफ बराबर बेलना है। तो ये देखिए मैंने इसको इतना बड़ा बेल लिया है। तो अब हम इसकी गोल शेप की 2 पूड़ियाँ कट कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने 2 पूड़ियाँ कट कर ली हैं और इसके एक्स्ट्रा पार्ट को हम हटा देंगे। अब हम इसकी एक पूड़ी पर पतली पतली स्ट्रिप्स में कट लगाएंगे। ध्यान रखिएगा हमें पूड़ी का ऊपर और नीचे का हिस्सा कट नहीं करना है, हमें इसके बीच वाले पोर्शन को ही कट करना है। तो ये देखिए मैंने इसको अच्छे से कट कर लिया है। अब हम ब्रश की सहायता से इस पर पानी लगा लेंगे और दूसरी पूड़ी को इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे और उंगली की सहायता से इसको दबा देंगे। हमें इसको हल्के हाथों से दबाना है। तो अब हम इसके बीच वाले भाग पर स्टफिंग को रखेंगे। स्टफिंग आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम ब्रश की सहायता से इसके चारों किनारों पर पानी लगाएंगे और इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। अब हम उंगली की सहायता से इसके किनारों को अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि स्टफिंग हमारी बाहर ना आए। इस प्रोसेस को करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसको हाथ पर उठा लेंगे और हाथ पर उठाकर इसको अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि स्टफिंग हमारी फ्राई करते हुए बाहर ना निकले। अब हम इसको आराम से इस तरीके से मोड़ेंगे और इसके दोनों किनारों को पानी लगाकर इस तरीके से जोड़ देंगे। पानी लगाकर किनारों को हमें अच्छे से जोड़ना है।
और इसके बीच वाले पोर्शन को भी उंगली से सेट कर देंगे। अब हम इसको थोड़ा सा खींचते हुए इसको लंबा करेंगे और इसके पीछे वाले भाग को भी अच्छे से लॉक कर देंगे। अब हम उंगलियों की सहायता से इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और इस तरीके से हम सारी दिया स्टाइल मिनी खस्ता कचौड़ी बनाकर तैयार कर लेंगे। तो अब हम एक कढ़ाई में ऑयल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें कचौड़ियों को फ्राई करेंगे। तो गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और 2 मिनट के बाद गैस की फ्लेम को धीमा कर लेंगे। तो ध्यान रखिएगा कचौड़ियों को हम धीमी आंच पर सेकेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से सिक जाएं। तो ये देखिए कचौड़ियों का कलर चेंज हो गया है। तो कचौड़ियाँ हमारी सिककर तैयार हैं, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अब हम अपना दूसरा नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक पैन में हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 3 सूखी खड़ी लाल मिर्च, 1 बड़ी चम्मच सौंफ, 9 से 10 काली मिर्च, 1/2 कटोरी मूंगफली के दाने और 1 बड़ी चम्मच सफ़ेद तिल डालकर इनको धीमी आंच पर भूनेंगे। ध्यान रखिएगा हमें इनको धीमी आंच पर ही भूनना है, हमें इसको लगातार चलाते रहना है। मूंगफली और मसाले हमारे अच्छे से भुन गए हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इनको ठंडा कर लेंगे। मूंगफली और मसाले हमारे ठंडे हो गए हैं, अब हम इनको एक मिक्सी जार में डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 कटोरी मूंग दाल की नमकीन। अब इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच चीनी, 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर और थोड़ा सा डालेंगे नमक। अब हम इसको महीन पीस लेंगे। ये देखिए मैंने इसको महीन पीस लिया है। अब हम एक बर्तन लेंगे, अब इसमें मूंगफली के मिक्सर को डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 150 ग्राम मैदा, नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और 2 बड़ी चम्मच देसी घी डालकर इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आटा हमारा वाइंड होने लगा है, तो घी इसमें एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। अब हम इसको हाथों से मसल मसल कर चिकना कर लेंगे। अब हम इसको 20 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। तो आटा हमारा जब तक सेट हो रहा है तब तक हम नाश्ते के लिए स्टफिंग तैयार करेंगे। इसके लिए एक पैन में 1 टेबल स्पून देसी घी लेंगे, घी को गर्म करेंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें 1/2 छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर इनको भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटा बारीक कटा हुआ प्याज और इसको भी भून लेंगे। एक बात का ध्यान रखना है, हमें प्याज को ज़्यादा नहीं भूनना है। अब इसमें 1/2 छोटी चम्मच हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच पिसा हुआ जीरा, 1/2 छोटी चम्मच चिली फ्लेक्स और 1/2 छोटी चम्मच आमचूर पाउडर डालकर इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। इन मसालों को हम 1/2 मिनट के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें 1/2 बारीक कटी हुई गाजर और थोड़े से बारीक कटे हुए हरी मटर के दाने डालेंगे और इनको धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू डालेंगे जिनको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है और इनको प्रेस करते हुए मिलाएंगे। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डालकर इसको भी अच्छे से मिला लेंगे और इसको 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। हमें इसको लगातार चलाते रहना है। अब हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे हींग, आपको अगर हींग पसंद नहीं है तो आप इसमें मत डालिएगा। और लास्ट में हम डालेंगे थोड़े से स्वीट कॉर्न और इनको इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारी तैयार है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम आटे की इतनी बड़ी एक लोई लेंगे और इसको बेल लेंगे। इसको हमें चारों तरफ से बराबर बेलना है। अब हम इसको चाकू की सहायता से इस तरीके से कट कर लेंगे। हमें इनको बराबर स्ट्रिप्स में कट करना है। अब हम इसके बीच में स्टफिंग को रखेंगे। स्टफिंग आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम 1 स्ट्रिप्स को उठाएंगे और इसके ऊपर इस तरीके से रखेंगे। अब हम पहली वाली स्ट्रिप्स पर पानी लगाकर दूसरी वाली स्ट्रिप्स को इसके ऊपर इस तरीके से चिपकाएंगे। इसी तरीके से हम सारे स्ट्रिप्स को एक के ऊपर एक करते हुए चिपकाते जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, हमें इनको पानी लगाकर ही चिपकाना है। अब हम एक गोल ढक्कन लेंगे और ढक्कन से हम इसके बीच वाले भाग को थोड़ा सा प्रेस करेंगे। इस प्रोसेस से स्ट्रिप्स हमारी खुलेंगी नहीं। अब हम थोड़ा सा आटा लेंगे और इसको बेल लेंगे और इसको ढक्कन की सहायता से गोल शेप में कट कर लेंगे। अब हम चाकू की मोटी वाली साइड से इसको 8 बराबर भाग में डिवाइड करेंगे। हमें इसको कट नहीं करना है। अब हम चाकू की सहायता से इनके 1/2 भाग को कट करेंगे। अब हम इसको हाथ पर उठा लेंगे और इसको इस तरीके से खींचते हुए एक पत्ती का रूप देंगे। इसी तरीके से हम सारी पत्तियों को बना लेंगे। अब हम इसके बीच वाले भाग पर पानी लगाएंगे और इस फूल को इस पर अच्छे से चिपका देंगे। अब हम एक लौंग लेंगे और लौंग को इसके बीच में इस तरीके से लगाएंगे। तो ये लीजिए मूंगफली का डिजाइनर नाश्ता बनकर तैयार है। तो इसके लिए एक कढ़ाई में हम ऑयल लेंगे और इसको गर्म कर लेंगे।
तो ऑयल हमारा गर्म हो गया, अब हम इसमें मूंगफली के नाश्ते को फ्राई करेंगे। गैस की फ्लेम को धीमा कर लेंगे और इनको धीमी आंच पर करारा होने तक फ्राई करेंगे। धीमी आंच पर सेकने से ये अंदर तक खस्ता हो जाएंगे और इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो मूंगफली का नाश्ता हमारा सिककर तैयार है, अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय।